अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने आज बनाया है चिकन टंगड़ी कबाब, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी है। चलिए देख लेते हैं चिकन टंगड़ी कबाब की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो चिकन ड्रमस्टिक, जिसको मैंने विनेगर डाल के धो के रखा है। इन ड्रमस्टिक्स को एक पतीले में शिफ्ट कर लेते हैं। इन ड्रमस्टिक्स पर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून जितना नमक, सिर्फ 1 टीस्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसमें हरा धनिया भी है, और ये 1/4 कप विनेगर है। इन तीनों चीज़ों को डाल के ड्रमस्टिक्स पे अच्छे से इसकी कोटिंग कर देंगे, जिससे ड्रमस्टिक्स में नमक, विनेगर की खटास और जिंजर गार्लिक का फ्लेवर चला जाए अंदर तक। आप विनेगर की जगह 2 नींबूओं का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 किलो चिकन के लिए 1 नींबू सही रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 किलो लिया है चिकन, तो 2 नींबू लगेंगे। अब मैं ले रही हूँ दूसरी डिश। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप से थोड़ा कम कॉर्नफ्लोर, जिस पे मैं डालूँगी 2 टीस्पून जितना भुने चने का पाउडर। ये बेसन नहीं है, ये भुने चने का पाउडर है। 2 टीस्पून इसको डालने से हमारा 1 कप कॉर्नफ्लोर का मिक्स बन जाएगा, कॉर्नफ्लोर और भुने चने का। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे मसालों को ऐड करते हैं। इसमें मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चिकन मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, थोड़ा सा रेड बुश कलर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये 1/4 कप शेजवान चटनी है। और फिर इसमें डालेंगे 2 अंडे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम दही को ऐड नहीं करेंगे, बस अंडों से और विनेगर से इसका कोटिंग सही से हो जाएगी। जो हमने विनेगर और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ चिकन को मैरिनेट किया था, उस चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। इस मसाले को ड्रमस्टिक्स के ऊपर अच्छे से मिक्स करना है, यानी अच्छे से कोट कर देना है। आप मेक श्योर कीजिए कि मसाला हर एक ड्रमस्टिक पे अच्छे से कोट हुआ है। चिकन में से जो विनेगर का पानी निकला था, उसको भी इसमें ऐड कर देना है। सारे मसालों की कोटिंग होने के बाद इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। अब 1 घंटे के बाद मैंने तेल को चिकन फ्राई करने के लिए रख दिया है। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके चिकन ड्रमस्टिक को छोड़ते जा रही हूँ तेल में। तेल में छोड़ने के बाद इस ड्रमस्टिक को करीब 3-4 मिनट के बाद फ्लिप कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसको पका लेते हैं 2-3 मिनट तक। कभी भी चिकन कबाब को पूरा फ्राई कभी भी नहीं करना चाहिए। बस इसको 3 से 4 मिनट तक एक बार पका के निकाल लेना चाहिए। इसको करीब 5-6 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखे। इसको फिर से तलने से इसके ऊपर की कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी होती है और चिकन अंदर से जूसी रहता है। रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में ऐसे ही किया जाता है। अभी ये ड्रमस्टिक पूरी तरीके से पके नहीं हैं, मैं इनको निकाल रही हूँ तेल से। ऐसे ही हम सारे चिकन टंगड़ियों को तल के साइड में रख देंगे। सारे चिकन को तलने के बाद जो हमने पहले तल के रखा था, उस बैच को मैं फिर से तेल में डाल रही हूँ। इसको अलट पलट करते हुए कम से कम 4-5 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेना है, यानी फ्राई करना है। बस इसको तलने के बाद हमारे चिकन ड्रमस्टिक बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इन पे थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के सर्व करने से ये बहुत ही मज़े का स्टार्टर बन जाता है। देखिए, तैयार है हमारे चिकन ड्रमस्टिक, जो अंदर से बहुत ही जूसी है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। चिकन कबाब तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी ये डिश। आपको अगर मेरी डिशेस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।